औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 9C कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997, ये एक रिसेंटली केस ला है जिसमें मुल्ज़म को ट्रायल कोर्ट से उम्र कैद की सजा यानी के 25 साल सजा हुई और 3 लाख रुपया जुर्माना हुआ। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में मजीद 6 माह की सजा। मुल्जम ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपील खारिज फरमा दी और ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल रखा। आफ्टर दैट मुल्जम ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की। ये FIR नंबर 1147/2012, FIR रजिस्ट्रेशन डेट, जो FIR की रजिस्ट्रेशन डेट थी वो 6/9/2012, पुलिस स्टेशन 4 सद्दा, इसमें जो फेंस था वो 9C था। अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुल्जम बरी हो गया, अप्रेजल ऑफ एविडेंस, सेफ कस्टडी एंड सेफ ट्रांसमिशन ऑफ सैंपल टू द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नॉट एस्टेब्लिश, मीनिंग देयर बाई जो सैंपल FCL को भेजे गए उनकी जो कस्टडी थी वो सेफ हाथों में नहीं रही। बेनिफिट ऑफ डाउट, रिकवरी वॉज अफेक्टेड ऑन 6/9/2012, वेयर एज सैंपल पार्सल वर रिसीव्ड इन द ऑफिस ऑफ केमिकल एग्जामिनर ऑन 12/9/2012 विदाउट एनी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन टू वार द सैंपल रिमेन ड्यूरिंग सच पीरियड, मीनिंग देयर बाई जो मुल्जम से सैंपल रिकवर हुए वो 6/9/2012 को हुए और उन्हें केमिकल एग्जामिनर में जो भेजा गया वो 12/9/2012 को, यानी के 3 दिन की डिले करके सैंपल को भेजा गया। सेफ कस्टडी एंड सेफ ट्रांसमिशन ऑफ द सील्ड सैंपल पार्सल हैड आल्सो नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोसिक्यूशन एज मुहर्रर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने होल्ड फरमाया कि जो पार्सल को 3 दिन की डिले से भेजा गया इसमें जो शक का फायदा है वो मुल्जम को जाता है। ड्यू टू सच डिफेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन इट कुड नॉट बी हेल्ड विद एनी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट द प्रोसिक्यूशन हैड सक्सेस इन एस्टैब्लिशिंग इट्स केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। अक्यूज्ड वाज अपील वाज अलाउड एंड अक्यूज्ड वाज एक्विटेड ऑफ द चार्ज बाय एक्सटेंडिंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू हिम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिले, जो डिले 3 दिन का डिले था उस वजह से मुल्जम को बाइज्जत बरी कर दिया। केसला 2022 SCMR पेज 1660, 2022 SCMR पेज 1660।